कयामत की रात में कालासुर, मिश्का और अजय आज हैं बेहद टेंशन में। गौरी ने दे दी है कालासुर और उसकी काली सेना को करारी चोट। गौरी ने कालासुर की मोहरा यानी के चलती फिरती लाश करुणा का खात्मा कर दिया है और करुणा की मौत से बौखला गए है कालासुर, मिश्का और अजय। क्या कहा तुमने? करुणा मर गई और वो भी गौरी ने उसे मारा? It's not possible. एक साधारण सी लड़की एक जिंदा लाश को कैसे मार सकती है? ये तो हो ही नहीं सकता। चुप कर। हो सकता है, हो सकता है। जहां मिश्का और अजय यही सोचने में मशगूल हैं कि गौरी ने करुणा को मारा तो मारा कैसे, वहीं कालासुर इस हार से घबराया नहीं है बल्कि इस मात को भी कालासुर अपनी शक्तिशाली होने का जरिया ही समझ रहा है। उसकी कोई मदद कर रहा। गौरी ने करुणा को मार दिया। हाँ, शक्तिशाली करुणा को। इसका मतलब गौरी शक्तिशाली हो गई है। उसे वो सारे राज पता चल चुके हैं। हाँ, अपनी असलियत पता चल चुकी है। वो शक्ति से मिल चुकी है। कालासुर की बातें मिश्का और अजय के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। अजय और मिश्का कालासुर से जानना चाहते हैं कि वो आखिर किस शक्ति के बारे में बात कर रहा है। पता चल जाएगा जब वो लड़ने मुझसे वहां जाएगी, और वो जरूर जाएगी। कहां जाएगी? उस संजीवनी पर्वत पर। इसी पर्वत का तो मुझे सालों से इंतजार था। इसी शक्ति की तो मुझे सालों से तलाश थी। आज सालों बाद मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। और वो राज, अब उस राज को तो मरना होगा। इसके बाद कालासुर अजय और मिश्का के सामने जाहिर करता है अपने खतरनाक इरादे कि राज को मारकर और गौरी को पाकर कालासुर बन सकता है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। उसे पाने के बाद ये पूरी दुनिया मेरी होगी, मेरा राज होगा। मेरा राज। कालासुर के इरादे तो वाकई काफी खतरनाक है, लेकिन गौरी भी अब शक्तिशाली बन गई है। मिश्का, करुणा को मारकर इस खेल में गौरी ने आप लोगों को जो मात दी है उसके बारे में क्या कहना है आपका? मतलब वी आर वेरी टेंस्ड। एक तो मिश्का, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि गौरी अचानक से एक साधारण सी लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो गई। तो अभी मुझे और हम सबको एक्चुअली जानना है कि जिन शक्तियों के बारे में कालासुर मुझसे बात कर रहा है वो शक्तियाँ एग्जैक्टली है क्या? ऐसा क्या है कि गौरी इतनी पावरफुल होगी जिसने एक जिंदा लाश को मार दिया? तो आई एम श्योर इट विल बी वेरी एक्साइटिंग। तो आप आने वाले एपिसोड्स में और बहुत सारे मसालों का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। मिश्का, इसी बीच कालासुर किसी संजीवनी पर्वत की बात कर रहा है। क्या आपको यकीन है कि सच में कोई संजीवनी पर्वत है? क्या कालासुर की ये सभी बातें सच्ची हैं? कालासुर बेतुकी बातें तो कभी नहीं करता, क्योंकि अभी तक मुझे जितना पता है कालासुर मस्ती वाला इंसान तो है नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य एकदम सीधा है, उसे गौरी चाहिए। तो अभी जब वो कुछ बोल रहा है तो आई एम श्योर देयर इज गोइंग टू बी अ ट्विस्ट, और हो सकता है कि गौरी के आपको आने वाले एपिसोड्स में अलग अलग रूप देखने को मिले। एक तरफ जहां कालासुर मिश्का और अजय के सामने सबसे शक्तिशाली बनने के इरादे जाहिर कर रहा है, वहीं राज की टेंशन बढ़ गई है। राज गौरी के कमरे का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। गौरी, 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 राज, क्या हुआ? डैडी, गौरी दरवाजा नहीं खोल रही है। गौरी! अंदर से गौरी का कोई रिस्पॉन्स ना देखकर राज कमरे का दरवाजा तोड़ देते हैं। अब देखना ये है कि कमरे के अंदर राज को गौरी मिलेगी या फिर कोई नया झटका। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।